हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीटर पैन टू पीस कॉलर। पीटर पैन टू पीस कॉलर बनाने के लिए हमने लेना है कॉलर की विड्थ, जो कि हमारा रेडी कॉलर होगा 2 इंचीज़। देन हमने लिया है चाइल्ड बेसिक बॉडीज ब्लॉक, क्योंकि हम चाइल्ड का पीटर पैन टू पीस कॉलर बना रहे हैं। अगर आपको अडल्ट का पीटर पैन टू पीस कॉलर बनाना है तो आप सेम मेथड से पीटर पैन टू पीस कॉलर अडल्ट का बना सकते हो। अब हमने पीटर पैन टू पीस कॉलर बनाने के लिए बैक बॉडीज ब्लॉक को ऑन फोल्ड पर रखते हुए इसका हमने ट्रेस कर देना है, नेकलाइन, शोल्डर और आर्म होल। देन हमने फ्रंट को शोल्डर लाइन से मैच करते हुए आर्म होल से और नेकलाइन से प्रॉपर ट्रेस कर देना है। ये हमने बैक नेक लाइन और फ्रंट नेक लाइन ट्रेस कर ली है। ये हमारी बैक नेक लाइन हो गई और ये हमारी फ्रंट नेक लाइन हमने ट्रेस कर ली है। देन हमने लेना है कॉलर। कॉलर विड्थ है हमारी 2 इंचेस। सबसे पहले हम लेंगे बैक से कॉलर 2 इंचेस, बैक नेक लाइन से साथ हमने इसको 2 इंचेस 2 इंचेस कई डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ताजो हमें इसका कर्व बनाने में आसानी हो। देन हमने फ्रंट से लेना है 2.5 इंचेस लेने के बाद हमने शोल्डर पे जो 0.2 इंचेस लगाया था उससे सेम एज इट इज़ हमने 0.1 बढ़ाते हुए डॉटेड पॉइंट लगाने हैं 2.5 इंचेस तक, जैसे कि 2.1 इंचेस, 2.2 इंचेस, 2.25 इंचेस, 2.243 इंचेस, 2.24, 2.245 इंचेस, देन हमारा 2.5 इंचेस। ये हमारे डॉटेड लाइन लगाने के बाद हम इसको अच्छे से कर्व में कॉलर को शेप कर देंगे। ये हमारी कॉलर की शेप ड्रॉ हो गई है। देन हमने फ्रंट जो नेकलाइन 2.5 इंचेस, वहाँ से हमने 45 डिग्री एंगल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 0.75। देन हमने बैक पे भी सेम एज इट इज़ 45 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी है 0.75, और हमने इसको बैक नेक लाइन से राउंड कर्व को शेप में ज्वाइन कर देना है। ये हमारी कॉलर की न्यू शेप ड्रॉ हो जाएगी। फ्रंट और बैक से दोनों को अच्छे से कर्व में फ्रंट नेक लाइन के साथ ज्वाइन करते हुए शेप बना देनी है 0.75 इंचेस। 0.75 इंचेस की स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद कॉलर की शेप को ड्रॉ कर दिया हमने। ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई। पीटर पैन टू पीस कॉलर में हमारे दोनों साइड से कॉलर की शेप आएगी, इसलिए इसको दोनों साइड पे हमने 0.75 0.75 से स्ट्रेट लाइन लगाकर कर्व में ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा टू पीस कॉलर पीटर पैन बन गया है। अब हमने इसको कट कर देना है। कट करने से पहले इसको हल्का हमने रफ कट करके चार्ट पेपर से अलग कर देना है। देन हमने इसकी जो पेंसिल लाइन से हमने शेप ड्रॉ करी है, ये हमारी कटिंग लाइन है। अब हम इसको बैक नेक लाइन से फ्रंट नेक लाइन की शेप को पहले कट कर देंगे। कट करने के बाद हम फ्रंट नेक लाइन के साथ हल्का राउंड कर्व में जो हमने ड्रॉ करा था सेम उसी के ऊपर एज इट इज़ हम इसको कट कर देंगे।
देन हमने शोल्डर लाइन को फोल्ड करके दूसरे पे भी ट्रेस कर देंगे सेम शोल्डर लाइन। ये हमारा पीटर पैन टू पीस कॉलर टू पीसीज में कट हो गया है, इसलिए इसको टू पीसीज पीटर पैन कॉलर कहते हैं। बैक नेक लाइन को बैक नेक लाइन के साथ मैच कर देंगे और फ्रंट नेक लाइन को फ्रंट नेक लाइन के साथ मैच करके ज्वाइन कर देंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट क्लियर हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.